सलमान की सिकंदर का बिग बी से क्या है कनेक्शन? कैसे सलमान शाहरुख से भी बड़ा किरदार निभाने वाले हैं? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान की सिकंदर से जुड़ी यही डिटेल। सलमान की किसी फिल्म का नाता बॉलीवुड के किसी एक्टर से निकाला जाए और फिर पुरानी मूवीज का एग्जांपल दिया जाए, ऐसा बहुत कम होता है। मगर सिकंदर में जो देखने वाला है और जिस तरह सलमान को पेश किया जा रहा है, उसे लेकर कुछ हद तक अमिताभ बच्चन को भी याद किया जा रहा है। हालांकि इसकी वजह केवल सलमान खान की इमेज है। दरअसल सिकंदर में सलमान को एंग्री यंग मैन की तरह पेश किया गया है, एक ऐसे इंसान जो लोगों के हक के लिए लड़ता है और उसकी लड़ाई सिस्टम में बैठे खतरनाक लोगों से होती है। तरीका चाहे कोई भी हो, मगर सलमान सही के लिए आवाज उठाते हैं। इससे पहले बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन की छवि केवल अमिताभ बच्चन की रही है। 70 के दशक में जंजीर, दीवार, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों में बिग बी हर उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कुछ गलत हुआ। अब एंग्री यंग मैन की वजह से सलमान और बिग बी का कनेक्शन निकाला जा रहा है, लेकिन फिल्म में किसी तरह की समानता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिकंदर से पहले भी सलमान सामाजिक कुरीतियों से फाइट करते रहे हैं, लेकिन इस बार कलेवर बिल्कुल अलग होगा और ये बॉलीवुड में अपनी नई तरह की सोच को पैदा करेगा। सलमान और शाहरुख की एक्टिंग और फिल्म करने का स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है और इस बार सिकंदर के जरिए भी सलमान अपने स्टारडम को नई हवा देना चाहते हैं। जिन मुद्दों को शाहरुख खान ने थोड़ा बहुत छुआ, उसे सलमान बहुत बड़े लेवल पर उठाना चाहते हैं और उनकी कोशिश इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान जुटाने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकंदर ऐसे सोशल इश्यूज पर बनाई गई है जिसकी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की। बॉलीवुड में इस लेवल की फिल्म भी बन सकती है, ऐसा सिकंदर के रिलीज के बाद ही कहा जाएगा। इससे पहले शाहरुख खान ने जवान और डंकी के जरिए सोशल इश्यूज को उठाया, जिसमें जवान सुपरहिट हुई और डंकी फेल हो गई, लेकिन उनके सफर को सिर्फ फिल्म तक ही सीमित रखा गया। जबकि सलमान खान सिकंदर के जरिए बड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। एक तरह से कहें तो सिस्टम को ठीक करने का रास्ता सिकंदर के जरिए दिखाया जा रहा है। सलमान की मूवी में उनके पिता वाली स्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत छाप दिखती है। इसकी दो मेन वजह बताई जा रही हैं। पहला तो सलमान खान का अग्रेसिव करेक्टर और दूसरा सिकंदर मूवी की कहानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकंदर की कहानी में सलीम खान का भी इंटरेस्ट जाग गया। पूरी कहानी क्या है और किस तरह आगे बढ़ाया गया, इसकी डिटेलिंग नहीं की गई, लेकिन उन्हें थीम बताई गई है। सलमान अपने पिता से कई बार मूवी को लेकर सलाह ले चुके हैं और इस बार एंग्री यंग मैन वाला तेवर सलमान का नजर आएगा, इसीलिए उनसे चीजों को क्लियर किया गया। सलमान खान के पिता नहीं, एंग्री यंग मैन वाला किरदार गढ़ा था। दोस्तों, आपके हिसाब से सलमान खान क्या एंग्री तेवर में बॉलीवुड का नया चैप्टर शुरू करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।